के पाठक के खौफ को खारिज करते हुए शिक्षा विभाग में बीपीएससी टीयर टू की परीक्षा में पास फर्जी अभ्यर्थी नौकरी ज्वाइनिंग के अंतिम चरण में दरभंगा से कटिहार पहुंच गया। दरअसल बीपीएससी शिक्षक बहाली टीयर टू की परीक्षा का अंतिम चरण कटिहार के शिक्षा विभाग में चल रहा था। सभी सफल अभ्यर्थियों को चेहरा मिलान और अंगूठा मिलान विभाग के द्वारा किया जा रहा था। इस मौके पर कार्यरत पुलिस बल और दंडाधिकारी मौजूद थे, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। दरअसल बिहार के मधुबनी जिला के फूलपारस थाना क्षेत्र के सुगापट्टी गांव के ओंकार नाथ भिंडवार ने बीपीएससी की परीक्षा दिए बगैर कटिहार का शिक्षा विभाग पहुंच गया और करवाने लगा अपना चेहरा और अंगूठा मिलान। और जब चेहरा और अंगूठा मिलान का प्रक्रिया इस श्रीमान के साथ हुआ तो वहां मौजूद सभी लोग हैरान हो गए। जब ये श्रीमान परीक्षा ही नहीं दिए तो दोनों चीज का मिलान भला कैसे संभव होता। जैसे ही इसका चेहरा मिलान किया गया तो वहां विभागीय टैब पर आ गया दूसरे का चेहरा और अंगूठा का निशान। बायोमेट्रिक से तो मिलान हुआ ही नहीं, फर्जी शिक्षक ओंकार नाथ भिंडवार अब करे तो क्या करे। आव देखा न ताव, श्रीमान वहां से भागने लगे। मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने दौड़ कर इसे पकड़ा, तब जाकर ये फर्जी शिक्षक किसी तरह से बस में आया। घटना के बाद पूरा शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर आ गया और लगे हाथ अधिकारियों ने खुद अपने चैंबर में इस फर्जी शिक्षक का चेहरा और अंगूठा का मिलान करवाया, लेकिन दोनों में से कोई भी मिलान नहीं हो पाया। पकड़े गए फर्जी शिक्षक ओंकार नाथ भिंडवार ने अपने फर्जीवाड़े को स्वीकार करते हुए अपनी सफाई में कहा कि मैं खुद एग्जाम के पहले फॉर्म भरकर मुंबई काम करने चला गया और इधर बीपीएससी टीयर टू की परीक्षा में मेरे पिताजी और परिवार वालों ने किसी और से परीक्षा दिलवा दिया। थम इंफ्लेशन के लिए सर, थम देने के लिए। क्या चीज का थम? वेरीफाई का। किस चीज के लिए, किस नौकरी के लिए? शिक्षक के लिए। अच्छा, कहाँ से फॉर्म भरे थे? मधुबनी से। कौन सा जिला? मधुबनी जिला। अच्छा, मधुबनी जिला से फॉर्म भरे थे आप? पास कर गए थे? जी। पास कर गए थे? जी। बीपीएससी वाला? जी। ये मेरे, मैं बाहर चला गया था, फॉर्म भर के डाल दिया था। मेरा पिताजी अब कोई दूसरे टीचर को या कोई किसी को बैठा के पास किया है, कर रहे थे। पिताजी किए थे, बैठवाए थे? जी, वही गांव पर किसान था, मजदूर है। चचेरा भाई? नहीं सर, और किससे किया था वो भी नहीं, चचेरा भाई तो टीचर है। तो पता ही नहीं है किसको बिठाए? जी नहीं, मैं तो बाहर में से था। हाँ, क्या करते थे पहले? मैं काम यहाँ पर पढ़ाई छोड़ दिया, नहीं हुआ शिक्षा में तो बम्बई चला गया था। क्या करते थे वहाँ? कपड़ा अर्चित करता था सर। अच्छा, कपड़ा काटते थे? जी। अच्छा, वो काम कर रहे थे। पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? मैं तो सर ट्रेनिंग डीलेट सब किया हूँ, कटिहारे से ट्रेनिंग भी किया हूँ 16-18 साल में। डीएलएड? जी सर। अच्छा, और ग्रेजुएशन किए हैं? जी नहीं। नहीं, टेंथ पास है? जी। हैं? नहीं, इंटर पास नहीं होता डीलेट सर। हाँ, वहीं इंटर किए हैं? जी सर। कौन, कहाँ से? इंटर गांव से किया हूँ। कौन स्कूल से? फुलपरास किसनी पट्टी से। अच्छा, इंटर वहीं से किए थे? जी सर। उसके बाद जो है वैकेंसी में फॉर्म भरे? जी, एक बार भरे तो दो चार नंबर से छूट गया, तो मैं छोड़ दिया, चला गया। हाँ, तो फिर फॉर्म भर के मैं चला गया तो पिताजी यार क्या बैठाया। आपके बदले में एग्जाम किसी को दिलवाया? जी सर। अच्छा, तो रिजल्ट आ गया, पास हो गए? जी। तो फिर आज आप कहाँ आए थे? तो वो बोला पास हो गया है, तो 2 महीना पहले आया था थम देने के लिए, तो नहीं मैच हुआ था। कौन से भागने क्यों लगे? मिसमैच के डर हो गया सर, क्या करेंगे। काउंसलिंग कहाँ हुआ? काउंसलिंग हुआ था? जी सर। कहाँ से? यहीं से, कटिहार। यहीं पर काउंसलिंग हो गया? ट्रेनिंग कहाँ पे लिए? अररिया। अब क्या कीजिएगा? अब तो मैं तो सर जा रहा था, क्या करेंगे। मैंने अब तो पकड़ा गया तो साथ में और कौन कौन आया है? एक जन था, वो लोग भी अब है कि चला गया, क्या मालूम सर। यहीं पर था अभी? जी, चला भाग गया सब, भाग ही गया होगा ना सर। कौन आया था साथ में? तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ओंकार नाथ भिंडवार है सर। पूरा एड्रेस घर का? ओंकार नाथ भिंडवार, ग्राम पोस्ट सुगापट्टी, थाना फुलपा, जिला मधुबनी। वही मौके पर मौजूद डीपीओ रूबी कुमारी एवं दंडाधिकारी सुभाष कुमार सिंह ने घटना की पुष्टि करते हुए पकड़े गए फर्जी शिक्षक पर कानूनन नियमानुकूल करने की बात कही। यहाँ पर थंब इम्प्रेशन का जो शिक्षक वाला है वेरिफिकेशन हो रहा था, तो एक व्यक्ति है नीचे ओंकार नाथ भिंडवार, सन ऑफ बालेश्वर भिंडवार, साकिन सुगापट्टी, थाना फुलपरास, जिला मधुबनी का रहने वाला है।
इसका थम इम्प्रेशन मिल नहीं रहा था, यानी चेहरा मिल रहा था। तो इसने अपना अपराध स्वीकार किया है कि हम परीक्षा नहीं दिए थे और मेरे बदले दूसरा कोई हमारे फादर बैठाए थे, हम बाहर रहते हैं और हमको आज भेजा गया पिताजी द्वारा, हम नहीं जानते हैं कौन परीक्षा दिया है, हम आए थे आज वही वेरिफिकेशन के लिए। तो ये क्या बीपीएससी वाले टीचर है क्या? तो वही तो उनका थम इम्प्रेशन गलती हो रहा था, वेरिफिकेशन बीपीएससी 3-2 जी। तो ये कहाँ पे ये एग्जाम था इनका, कहाँ सेंटर था, कुछ पता है क्या? अभी कुछ बता नहीं रहा है। अब आगे की कार्रवाई क्या? शक कैसे शक हुआ इस पर? थम इम्प्रेशन नहीं मिलने के बाद शक हुआ। अच्छा, चेहरा मिला? हाँ, जो नहीं मिला है चेहरा भी और थम इम्प्रेशन। अब आगे कार्रवाई क्या होगी? अब आगे कार्रवाई अब जो कानून कथित होगा किया जाएगा, एफआईआर होगी, नियमानुकूल जो भी कार्रवाई होगा किया जाएगा। तो सर ये सेंटर का जैसा इसका बताया जाना, कहाँ से इस सेंटर में ये इस तरह का धांधली हुआ है? तब तो पूछने के बाद में पता चलेगा, अब तो केवल हम लोग वेरिफिकेशन के लिए थे। कौन बैठे थे इसके बदले में, कुछ जानकारी प्राप्त हुआ? नहीं, वो बता रहा है कि हमको पता नहीं है, पिताजी बैठा है सुभाष कुमार सिंह उपाध अधीक्षक कटिहार, यहाँ पे सर ड्यूटी दंडाधिकारी के रूप में हमको प्रतिनिधित्व किया गया।